दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ जो आपको इंट्राडे में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, तब भी आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड इस स्ट्रैटेजी के जरिए ले सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से आप देखिए एंड तक। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप ट्रेड लेते हो या कभी भी आप रियल ट्रेड लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाती हूँ, इसलिए आप कोई भी ट्रेड ले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इन्वेस्टमेंट करें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पर ही करें और अपने रिस्क पर करें, क्योंकि मेरी सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट एक साइडवेज में चल रहा था, साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट साइडवेज में चल रहा था और हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस मैंने बना लिया है और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है मार्केट ने, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद देखिए कितना बड़ा मार्केट ने हमें मूवमेंट दिया है। तो स्ट्रैटेजी यही है दोस्तों, स्ट्रैटेजी को आपको ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है, तभी आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे लाइव मार्केट में। देखिए दोस्तों, पहले तो ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद फिर से यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आने के बाद फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया और फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मूवमेंट, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ पर बायर्स हैवी है, हावी है सेलर्स पे, क्योंकि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी रेजिस्टेंस को दो या तीन बार, दो से ज़्यादा बार मार्केट टच करने आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तीन बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच कर चुकी है, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर से बायर्स ने उसे ऊपर लेके जाने की कोशिश की। तो ऐसा सीनेरियो जब भी बनता है, दो या दो से तीन बार जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को टच करने आती है, तो तीन या चौथी बार, तीसरी या चौथी बार मार्केट उसे ब्रेक कर देती है रेजिस्टेंस को, क्योंकि तीसरी बार या चौथी बार वो जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर हो जाएगा या पांचवी बार कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है, जब भी मार्केट दो या तीन बार रेजिस्टेंस को टच करती है, रेजिस्टेंस को आपको ड्रॉ करके रखना है। दो से ज़्यादा बार अगर टच करने आती है रेजिस्टेंस को, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हमें यहाँ पे वेट करना है। जब तक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, एक ब्रेकआउट अच्छा सा नहीं देगी बड़ी कैंडल बना के, तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। और यहाँ पे बड़ी कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हो बनी हुई है और यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। यहाँ से एंट्री लेने के बाद 1:2 का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो या उससे बड़ा टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो। तो यही ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आगे भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाली हूँ। ये तो बाइंग के लिए है, अगर आप कॉल साइड लेना चाहते हो तो आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है और अगर आप पुट साइड लेना चाहते हो तो आपको सपोर्ट मार्क करना है, ठीक है। सपोर्ट भी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, किस तरह से आपको सपोर्ट मार्क करना है और किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, सारी की सारी बातें बताने वाली हूँ मैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसमें आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपको सही लगती है स्ट्रैटेजी तो ही आप रियल मनी में इसे यूज़ कीजिए लाइव मार्केट। तो चलिए ये एक एग्जांपल देख लिया हमने, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखने से पहले दोस्तों, आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं लाइव मार्केट अपडेट देती रहती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो टेलीग्राम पर मैंने लाइव अपडेट दिया था और यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, एनालिसिस लाइव मार्केट में सीखना चाहते हो, तो आ जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा लाइव मार्केट में, जिससे आप अच्छा एक प्रॉफिट निकाल पाओगे अपनी डेली बेसिस में। आ जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ है,
यहाँ पे भी मार्केट एक दो और तीसरी बार टेस्ट करने नहीं आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तीसरी बार। दो या तीन बार अगर मार्केट टेस्ट कर लेता है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर हो जाता है, और तीसरी बार या चौथी बार वो ब्रेक हो जाता है, या पांचवी बार भी ब्रेक हो सकता है। तो आपको सिर्फ वेट करना है, वेट करने के बाद जैसे ही आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये याद रखना है कि बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हो, बड़ी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, तभी आपको एंट्री लेना है, तब तक एंट्री नहीं लेना है। अगर छोटी कैंडल का ब्रेकआउट होता है इस तरह से तो आपको वेट करना है, जब भी दूसरी बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की तब भी आप एंट्री लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना बड़ा मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है। दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हम मार्केट ने हमें दिया है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे भी एग्ज़िट हो सकते थे दूसरे दिन, और यहाँ पे भी हम एग्ज़िट हो सकते थे मार्केट क्लोज़ होने के टाइम पे, फिर भी हम प्रॉफिट में ही रहते, 1:2 का प्रॉफिट हमारा हो जाता है यहाँ पे। और अगर हम वेट करते थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें प्रॉफिट मिल सकता था। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। देखिए दूसरे दिन भी मार्केट साइडवेज रहा है यहाँ पे, दूसरे दिन मार्केट साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे भी ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। देखिए रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया दो बार, और तीसरी बार में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हम लेके निकल सकते थे। स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करें आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे पुट साइड के लिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे मार्केट सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, तीन बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, चौथी बार किया, ठीक है, चौथी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, एक दो तीन और ये चार, चार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे। तो हमें जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है वैसे हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही बड़ी कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमारा जो टारगेट रहता है 1:2 का टारगेट, या फिर आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते थे, ठीक है। मैं तो हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप 1:2 का टारगेट मिल रहा है आपको, आप लेके एग्जिट हो जाओ, यही बेटर होता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको जो भी मार्केट दे रहा है वो लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। तो मार्केट में जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आपको लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं और पुट साइड के एक दो एग्ज़ाम्पल। देखिए यहाँ पर और एक एग्ज़ाम्पल मिल गया हमें, जैसे कि आप देख पा रहे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, एक बार रिस्पेक्ट किया, दो बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और तीसरी बार इसने ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, पहली कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है हमें, हमें दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही दूसरी कैंडल रेड बनेगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर 40 से 50 पॉइंट का, या फिर उससे पहले की जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका हाई आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हर ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको हर बार स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाना है, जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई, और अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस में लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री लेते थे, हमारा टारगेट 1:2 का रहता था, यहाँ तक का टारगेट हम अचीव कर सकते थे, 1:2 का टारगेट यहाँ तक बन रहा है तो यहाँ तक का टारगेट हम अचीव कर सकते थे, फिर भी मार्केट ने हमें कितना बड़ा टारगेट दिया है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने आता है तो आप इतना बड़ा टारगेट भी यहाँ तक अचीव कर सकते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे कितना टारगेट दिया है हमें, एक बार मार्क करके देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 570 पॉइंट का टारगेट हमें मार्केट ने यहाँ पे दिया है, 570 पॉइंट का, कितना बड़ा टारगेट होता है दोस्तों। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो आप अच्छा खासा टारगेट इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए निकाल सकते हो। तो यही था इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई भी ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना है, वेट करने का मार्केट आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार ट्रेड किया, दो बार, और यहाँ पे तीसरी बार ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए
यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, ये कैंडल पे हमें बिल्कुल भी पुट नहीं खरीदना है, वेट करना है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, नीचे कैंडल बनी कंफर्मेशन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है मार्केट ने, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में एक दो बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस कभी हिट हो जाता है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा दूसरे दिन हिट हो जाता था। अगर हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देते तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता था, फिर मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हमें वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद हमें वेट करना है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, हमें फिर भी वेट करना है, ठीक है। और फिर हम वापस से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद देखिए कितना बड़ा हमें प्रॉफिट दिया है। तो ये जो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, हमें जो लॉस हो गया था वो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से कवर हो गया, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मार्केट ने हमें दे दिया, ठीक है। ये होता है स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा, और स्टॉप लॉस लगाने से हमारा लॉस कम होता है और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखते कितना प्रॉफिट दिया है मार्केट ने हमें, यहाँ से यहाँ तक का ही देखते हैं हम, 194 पॉइंट का हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया है। और अगर हम यहाँ तक गिनते हैं तो 416 पॉइंट का हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस को मार्क करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखते हैं कितना हमारा हिट हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है हमारा। अगर इस कैंडल की हाई पे अगर स्टॉप लॉस लगाया होता हमने तो यहाँ पे 105 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब 105 पॉइंट का आपको नुकसान हुआ, और यहाँ पे पॉइंट आपको कितने मिले, यहाँ पे एंट्री लिया होता और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप अचीव किया होता, 310 पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक के मिले होते। मतलब स्टॉप लॉस आपका छोटा सा हिट हो जाता था, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ। तो ये है स्ट्रेटजी की ताकत। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना ले। स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग कीजिए, प्रेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर रियल ट्रेड में यूज़ कीजिए। वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर से देखिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, क्या करना है, कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कैसे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।